गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम में जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अपना यूरेट्र। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर में अपन इस टॉपिक में अपन ने प्रीवियस में अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम का। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा था किडनी, ठीक है। किडनी में अपन ने पढ़ा था ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यानी कि माइक्रोस्कोप से अगर अपन किडनी को देखेंगे तो अपने को किडनी किस टाइप की दिखती है। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा था नेफ्रॉन, यानी कि किडनी बनती किस चीज से है। तो अगर अपन ने पढ़ा था नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, और लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर क्या है अपनी किडनी बनती है। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी में अपन ने पढ़ा था कि किडनी के कौन से फंक्शन होते हैं। तो अपन ने सबसे पहला फंक्शन पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी फिल्टर हुआ उसको क्या होगा रीअब्जॉर्ब होगा, वो रीअब्जॉर्ब होने के बाद क्या है जो रिमेनिंग कंटेंट जो बच जाएंगे वो क्या होंगे अपने सिक्रेशन के दौरान सिक्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद अपन ने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट कैसे होता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है यूरेट्र। अगर अपन बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम की, तो इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो यूरिनरी सिस्टम वो क्या है एक अपना बॉडी का ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है अपन अपने बॉडी के से फ्लूड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या था, द यूरिनरी सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट यूरिन टू द पॉइंट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि प्रोडक्शन से लेके जहां से यूरिन बनता है वहां से लेके यूरिन के बाहर निकलने तक की जो प्रोसेस है वो कौन से सिस्टम में अपनी कंप्लीट होती है, यूरिनरी सिस्टम में अपनी वो कंप्लीट होती है। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा था कि जो अपना सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है, तो दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है एक राइट साइड में प्रेजेंट होती है। देन आफ्टर दो यूरेटर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है एक राइट साइड में होता है। इसके बाद एक अपना क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यूरेटर क्या करता है अपनी जो किडनी है उनको और यूरिनरी ब्लेडर उनको क्या करता है कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है किडनी ने जो यूरिन को सिक्रेशन के थ्रू बाहर निकाला उसको क्या करेगी ये अपना यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या है सिक्रेट कर देगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या करती है जो अपने ब्लेडर के अंदर जो यूरिन कलेक्ट हुआ उस यूरिन को क्या है बाहर निकालने में किसका योगदान रहता है, यूरिथ्रा का अहम रोल रहता है। ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है किडनी है यूरेटर है ब्लेडर है और यूरिथ्रा है। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है प्ले वाइटल पार्ट इन द मेंटेनिंग द हीमोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी, यानी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन बना के रखता है यूरिनरी सिस्टम बना के रखता है, ठीक है। द किडनी प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि यूरिन कहां से बनाती है किडनी यूरिन कहां से बनाती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वही क्या है अपना यूरिन होता है। उसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड होती हैं, यूरिया यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सेसिव आयंस और सम ड्रग्स, ये सारे के सारे क्या होती हैं अपना जो वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वही क्या होता है अपना
यूरिन होता है। इसके बाद है मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन करती है और सिक्रेशन करती है। देन आफ्टर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, सिक्रेशन होता है किसका, इरिथ्रोप्रोटीन का। इरिथ्रोप्रोटीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि जो अपनी आरबीसी है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए अपना इरिथ्रोप्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये कहां से सिक्रेट होता है, अपना किडनी से सिक्रेट होता है। देन आफ्टर अपना आता है प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन। रेनिन हॉर्मोन का क्या है, प्रोडक्शन होता है और सिक्रेशन होता है। कहां पे होता है, ये अपना किडनी के अंदर होता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो क्या करता है, अपने ब्लड को, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। देन आफ्टर अपनी आती है किडनी की एनाटॉमी। किडनी की एनाटॉमी में अगर बात करें तो ये किडनी की क्या है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ड्यूडिनम पार्ट है, ये राइट साइड की किडनी है, लेफ्ट साइड की किडनी है, ये यहाँ पे क्या है, एडनल ग्लैंड है, ये ड्यूडिनम पार्ट है, ये लीवर है, ये हेपेटिक फ्लेक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पे रीनल आर्टरी दिखाई गई है, यहाँ पे जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अपना आयोटा होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में जो ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, अपनी रीनल वेन है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है। ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों अपने यूरिनरी ब्लैडर तक जाएंगे और वहां पे क्या है, दोनों किडनी से जो यूरिन बना उनको वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, पैनक्रियाज हो गई, जेजुनम पार्ट हो गया, स्प्लेनिक फ्लेक्चर हो गया, ये क्या है, अपनी किडनी की एनाटॉमी है। देन आफ्टर अपनी आती है किडनीज कहां पे होती है, किडनी लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि किडनी कहां पे प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे क्या अपनी किडनी प्रेजेंट होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम, यानी कि वन ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल के साइड में होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे की तरफ होती है, और बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के पीछे की तरफ होती है, ठीक है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12 नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि 12 नंबर की जो अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से क्या स्टार्ट होती है और 3rd नंबर की लंबर वर्टिब्रा है वहां तक ये जाती है। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, जो अपना लोअर रिब केज है वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। जो राइट साइड की किडनी होती है वो क्या होती है, यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, यानी कि जो राइट साइड की किडनी वो क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है, किसकी तुलना में, लेफ्ट की तुलना में, ठीक है। और किडनी है उसका शेप कैसा होता है, बीन शेप ऑर्गन होता है, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर की वाइड होती है, 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, और 150 ग्राम क्या होता है, इसका वेट होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी, इसका मतलब क्या है, अपनी किडनी के चारों तरफ कौन से ऑर्गन होते हैं, तो यानी कि अपनी किडनी कितनी हो गई, दो किडनी हो गई, एक लेफ्ट साइड की किडनी हो गई, एक राइट साइड की किडनी होगी, ठीक है। तो जो राइट साइड की किडनी है उसके सुपीरियर भाग में क्या होता है, अपनी राइट एडनल ग्लैंड होती है। एंटीरियर भाग में क्या होता है, द राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है, यानी कि राइट साइड में जो लीवर का लोब है वो प्रेजेंट रहेगा, ड्यूडिनम रहेगा, हेपेटिक फ्लेक्चर रहेगा, कोलन रहेगा। पोस्टीरियर भाग में क्या रहेगा, डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। लेफ्ट किडनी की अगर अपन बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, सुपीरियरली में रहेगी अपनी लेफ्ट एडनल ग्लैंड, एंटीरियरली में रहेगी स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियाज, जेजुनम एंड स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन। ये अपने कहां पे रहेंगी, एंटीरियर भाग में रहेंगी। पोस्टीरियर भाग की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर में क्या रहेगा, डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये क्या है, अपना किडनी के साथ कौन से ऑर्गन होते हैं और उनका इनके साथ रिलेशन क्या होता है, ये क्या है, अपना ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। देन आफ्टर अपनी आती है ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो ग्रोस स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो अपन ने किडनी को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में अपन ने किडनी को डिवाइड कर दिया। सबसे पहला क्या था, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल का मींस क्या है, सराउंडिंग द किडनी, यानी कि किडनी के चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अपना फाइब्रस कैप्सूल होता है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर होती है टिश्यू की, ठीक है, वो क्या होती है, अपनी कॉर्टेक्स पार्ट होता है। देन आफ्टर अपना आता है मेडुला। मेडुला क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होती है, अपनी मेडुला होती है, यानी कि किडनी की जो अपनी इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या होती है, अपनी मेडुला होती है। इसके बाद अपना आता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये अपने क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये मेडुला पार्ट है, ये रिनल पिरामिड्स है,
ये कनेक्शन ऑफ द माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मेजर कैलिक्स कौन से हैं, रिनल लोब कौन सा है, रिनल कॉलम कौन से हैं, रिनल कैप्सूल कौन सा है, ये यूरेटर है, ये रिनल पैपलिया है, हीलियम हो गया, रिनल पेल्विस हो गया, ठीक है, और रिनल साइनस हो गया। ये क्या अपनी माइक्रोस्कोप से अगर अपन देखेंगे तो अपने को ये चीजें किडनी में अपने को मिलेगी। ठीक है, किडनी किससे मिलकर बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शन यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन एंड स्मॉलर नंबर ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब, यानी कलेक्टिंग ट्यूब और अपनी जो नेफ्रॉन है उनसे मिलके क्या है अपनी किडनी बनी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है द कलेक्टिंग ट्यूब ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू द पिरामिड्स, जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहां से करती हैं, पिरामिड से। जो रिनल पेल्विस है वो क्या करता है, गिव देयर स्ट्रिपेड अपीयरेंस, यानी कि धारदार उनको क्या करता है अपीयरेंस, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको शेप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, द ट्यूब्स आर सपोर्टेड बाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिम्फ वेसल्स, जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ से सपोर्ट होती हैं, बाई द स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू से वो क्या करती हैं सपोर्ट मिलती है, और किससे कनेक्ट रहती हैं, ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिम्फ वेसल्स से क्या है वो कनेक्ट रहती हैं। ये अपनी क्या है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये क्या है अपना पीसीटी है, ये लूप ऑफ एल है, ये क्या है वोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये डीसीटी ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये विसरल रेक्टा है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। जो नेफ्रॉन है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब क्लोज एंड द क्लोज और बाइंड एंड द टू द फ्रॉम द कप शेप ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोमन कैप्सूल, जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैप्सूल। तो अपन ने इनको कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में अपन ने इनको क्या किया डिवाइड किया। सबसे पहले क्या अपना प्रोक्सिमल कॉन्लेटरल ट्यूबुल्स यानी कि पीसीटी, देन आफ्टर क्या अपना मेडुलरी लूप, जो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो अपनी है ऐसे वो क्या है अपनी मेडुलरी लूप होता है, यानी कि लूप ऑफ फैनले बोलते हैं अपन उसको। एंड पार्ट जो उसका क्या है वो अपना डीसीटी यानी कि डिजिटल कॉन्लेटरल ट्यूबुल्स होती है, ये किससे कनेक्ट रहती है अपनी, लीडिंग इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट, यानी कलेक्टिंग डक्ट से क्या ये कनेक्ट रहती है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स इन द किडनी, तो अपनी सीरीज है वो कौन सी रहती है, रिनल आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, कैपिलरी नेटवर्क और रिनल वेन, ये क्या है अपनी सीरीज होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फंक्शन ऑफ द किडनी, फंक्शन ऑफ द किडनी में क्या है, सबसे पहले अपना फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, देन आफ्टर क्या अपना वाटर बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट है, इसके बाद क्या अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या अपना फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में क्या है, द किडनी फॉर्म यूरिन विच पास थ्रू बाय द यूरेटर टू द किडनी ब्लेडर फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रेशन, यानी कि जो अपना यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, किडनी क्या करती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, ठीक है, ये क्या है किडनी की 3 प्रोसेस होती है यूरिन के बनने की। ठीक है, तो जब एंड जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वही क्या होता है अपना यूरिन होता है, और उसको क्या है यूरेटर क्या करता है उसको अपने यूरिनरी ब्लेडर के पास क्या है उसको स्टोर करने के लिए लेके आता है। तो इनको कितने भागों में अपन ने डिवाइड किया, 3 पॉइंट्स में अपन ने इसको डिवाइड किया। सबसे पहला क्या अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, देन आफ्टर क्या अपना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, देन आफ्टर अपना क्या है सिक्रेशन, यानी कि 3 प्रोसेस के अंदर जाके अपना क्या हुआ ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, 2 आर्टरियोल्स होते हैं अपने, कौन से, एफरेंट और इफरेंट, यहाँ पे क्या है आर्टरियोल्स होते हैं, और इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स क्या करते हैं, इन दोनों का डायमीटर क्या होता है एक दूसरे से कम होता है, इससे क्या है यहाँ पे जो अपनी जो प्रेशर लगता है, ठीक है, उससे क्या है वो फिल्टर हो जाता है। द फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड प्रेजेंस ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस कैप्सूल, यानी कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल का जो प्रेशर है, ठीक है, वही क्या है और वो किस वजह से होता है, वो प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है, तो अपनी जो इफरेंट आर्टरियोल एंड एफरेंट आर्टरियोल जो है इन दोनों में से क्या होता है, इफरेंट आर्टरियोल लेस देन द एफरेंट आर्टरियोल्स, द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टरियोल इज लेस देन द एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि इन दोनों में से एक का डायमीटर क्या है कम होता है, जैसे क्या होता है अपना
फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। देन आफ्टर क्या होता है अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है 55 mmHg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 30 mmHg होता है। देन आफ्टर अपना जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कितना होता है 15 mmHg होता है। तो अगर अपन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर निकालते हैं तो क्या होगा अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से अपन ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कम कर देंगे तो अपना कितना आएगा 10 mmHg अपना क्या आएगा नेट फिल्ट्रेशन रेट आएगा। देन आफ्टर अपन बात करते हैं GFR क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ये होती है एक मिनट के अंदर अपनी किडनी ने कितना यूरिन पास किया, ठीक है, जो अपना फिल्टर हुआ वो कितना होता है 125 ml/min में क्या है अपनी किडनी ने यूरिन जो अपना ब्लड था उसको क्या किया फिल्टर किया, ठीक है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है पर डे कितना करती है, तो दोनों किडनी मिला के अपना 180 L डाइल्यूटेड क्या करती है फिल्टर फॉर्म करती है। देन आफ्टर अपना आता सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है जो अपना टोटल जो फ्लूड था उसका क्या होगा जो पीसीटी पार्ट है वो क्या करेगा 65% को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। लूप ऑफ वेनले कितने को करेगा 25% को रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। डीसीटी कितने को करेगा 5% को कर लेगा। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कितने कर लेंगी 2-3% को क्या कर लेंगी वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके बाद अपना टॉपिक आता है यूरेटर। यूरेटर क्या के कितने होते हैं अपने बॉडी के अंदर 2 यूरेटर होते हैं। ये जो किडनी है ठीक है ये अब किडनी की इनसाइड की व्यू है, ठीक है, ये अपना यूरिन का बैकअप शो किया गया है इसमें, ठीक है। और ये क्या करती है अपने ब्लेडर के पास दोनों जो हैं यूरेटर वो क्या करते हैं किडनी ये अपने किडनी से लेके आते हैं और ब्लेडर के पास ला के अपने फ्लूड को कलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है। ये क्या है अपनी स्ट्रक्चर है किसकी यूरेटर की। जो यूरेटर है वो क्या है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यूरेटर क्या है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। किस चीज से मिलके बनता है मेड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, ठीक है, यानी कि जो अपनी स्मूथ मसल्स फाइबर्स जो हैं उनसे मिलके क्या है अपना यूरेटर बनता है, ठीक है। दैट प्रोपोल यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि कहां से कहां तक यूरिन आता है, यूरिन को किडनी से रिसीव करते हैं और कहां पे लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये लेके आ जाते हैं, ठीक है। इन एडल्ट ह्यूमन द यूरेटर आर यूजुअली 25-30 cm लॉन्ग, यानी कि जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसके अंदर यूरेटर की साइज कितनी होती है 25-30 cm लॉन्ग क्या है यूरेटर उसका होता है। और अगर डायमीटर की अगर अपन बात करते हैं तो 3-4 mm क्या होता है डायमीटर होता है। तो यानी कि यूरेटर क्या है यूरेटर मैड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर, यानी कि यूरेटर जो अपना है वो किससे मिलके बना है स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलके क्या है वो बना हुआ है, ठीक है। और क्या काम करता है वो यूरिन को किडनी से लेके यूरिनरी ब्लेडर तक वो अपने यूरिन को लेके आता है, ये क्या इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन की अगर अपन बात करते हैं तो यूरेटर की किस साइज क्या होती है उसकी 25-30 cm क्या है उसके यूरिन जो उसका यूरेटर है उसकी लेंथ होती है। डायमीटर की अगर अपन बात करें तो उसकी 3-4 cm क्या है उसका डायमीटर होता है, ठीक है। देन आफ्टर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो यूरेटर की स्ट्रक्चर क्या है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ट्यूब लाइक क्या होती है स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने सेंटीमीटर का होता है ये 30 cm का क्या होता है अपने मेल्स के अंदर ही अप्रोक्सीमेट एडल्ट के अंदर पाया जाता है यूरेटर, ठीक है। देन आफ्टर अपना क्या पॉइंट आता है दे क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। ये कहां से क्रॉस करके आता है अपना कॉमन इलियक आर्टरी से करके आता है। दे पास फ्रॉम द पेल्विस ऑफ ईच किडनी इन टू द ब्लेडर, ठीक है। प्रत्येक किडनी के अंदर क्या है अपना एक यूरेटर प्रेजेंट रहता है। देन दे पास देन डाउन अलोंग द साइड ऑफ द पेल्विस एंड फाइनली कवर फॉरवर्ड एंड एंटर इन द ब्लेडर फ्रॉम इट लेफ्ट एंड राइट साइड एट द बैक ऑफ ब्लेडर, यानी कि ब्लेडर के पीछे की तरफ से क्या है ये अपने एंटर होता है, ठीक है।
तो यूरेटर क्या है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। अपने जो ब्लेडर है उसके पीछे की साइड से क्या है, ये इंटर होता है, ठीक है। और अपनी जो कॉमन इलियक आर्टरी है उसको क्या है, क्रॉस करते हुए ये आता है। इसके बाद अपना पॉइंट आता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की अपन बात करते हैं तो द यूरेटर प्रपोल द यूरिन फ्रॉम द किडनी इन टू द ब्लेडर बाई पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर। यानी कि जब, ठीक है, जब अपनी किडनी के पास एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूड हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन और डायलिटेशन, कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होने के दौरान क्या है, वो फ्लूड है वो अपने इसमें आ जाता है। दिस इज ए इनट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ मसल्स एंड नॉट अंडर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में नहीं आती, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। दे वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑर्गेनिक इन ए पेस मेकर इन द माइनर साइकिल्स। पेरिस्टाल्टिक वेव अकर सर्वाइवल टाइम ऑफ पर मिनट इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंट विद द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस एंड सेंड लिटिल स्पोर्स ऑफ यूरिन इनटू द ब्लेडर। जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे क्या है, ये अपने ब्लेडर के अंदर जाता रहता है। देन आफ्टर अपना आता है ब्लड ब्लड सप्लाई। तो यूरेटर क्या है, द यूरेटर हैज ए आर्टरियल सप्लाई विच वेरियस अलोंग इट कोर्स। द अपर पार्ट ऑफ यूरेटर क्लोज टू द किडनी इन द सप्लाई द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करती है, आपके जो यूरेटर का अपर पार्ट है उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर देती है। देन आफ्टर अपना आता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेटर इज सप्लाई बाय द कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो क्या करती है, अपने मिडिल पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द अब्डोमिनल आइटा, जो क्या होती है, जिस डायरेक्ट जो अब्डोमिनल आइटा की जो ब्रांच होती है वो क्या करती है, इसको सप्लाई करती है, ठीक है। एंड टेस्टिकुलर आर्टरी इन मैन, मैन के अंदर जो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है वो क्या करती है, और वुमेन्स के अंदर ओवेरियन आर्टरी करती है। द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर क्लोज टू द ब्लेडर इज सप्लाई बाय द ब्रांचेज फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो लोअर पार्ट होता है यूरेटर का वो किससे क्लोज रहता है, अपना ब्लेडर से क्लोज रहता है, और उसको सप्लाई कौन करता है, अपना इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा क्या है, ब्लड सप्लाई होती है। द यूरेटर हैज एन आर्टरियल सप्लाई विच वेरियस अलोंग इट कर्व्स। द अपर पार्ट ऑफ यूरेटर क्लोज टू द किडनी इज सप्लाई बाय द रीनल आर्टरी। यानी कि अपर पार्ट यूरेटर का किससे कनेक्ट रहता है, अपना किडनी से, तो उसको कौन सप्लाई कर रहा है, रीनल आर्टरी कर रही है। देन आफ्टर उसका आता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट सप्लाई बाय द कॉमन इलियक आर्टरी, क्योंकि वो इलियक आर्टरी को क्रॉस करते हुए आता है, ठीक है। जो क्या है, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ अब्डोमिनल आइटा, जो क्या है, अपनी डायरेक्ट ब्रांच होती है किसकी, अब्डोमिनल आइटा की डायरेक्ट ब्रांच होती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या आता है, टेस्टिकुलर आर्टरी जो है वो क्या करती है, मैन के अंदर सप्लाई करती है, और ओवेरियन आर्टरी है वो क्या करती है, वुमेन्स के अंदर ब्लड सप्लाई कर देती है। देन आफ्टर जो लोअर पार्ट है किसका, यूरेटर का, उस वो किससे क्लोज रहता है, ब्लेडर से, ठीक है। और उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, इंटरनल इलियक आर्टरी जो है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर देती है। देन आफ्टर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या है, अपनी यूरिनरी ब्लेडर की स्ट्रक्चर है, ये यूरेटर है, ये पेरिटोनियम कैविटी है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, अपनी यूरिनरी ब्लेडर का डायग्राम है। तो एक बार आप सभी डायग्राम बना लो।
जो यूरिनरी ब्लेडर होता क्या होता है, वो एक सिंपल ब्लेडर होता है, ठीक है, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है ह्यूमन एंड वर्टिब्राज में, ठीक है, दैट कलेक्ट एंड स्टोर यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो क्या करता है यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है और स्टोर करता है बिफोर डिस्पोजल ऑफ बाय यूरिनेशन, यानी कि जो अपनी यूरिनेशन की प्रोसेस है उससे पहले क्या करता है, ये उसको स्टोर करके रखता है। दैट सिस्ट ऑन द पेल्विक फ्लोर, ये कहाँ पे मिलता है अपने को, पेल्विक फ्लोर पे। यूरिन एंटर द ब्लेडर वाया द यूरेटर एंड एग्जिट वाया द यूरिथ्रा, इस ब्लेडर के अंदर क्या है, यूरिन कहाँ से आएगा, अपने यूरिथ्रा के थ्रू तो आएगा और यूरिथ्रा के थ्रू क्या है बाहर निकल जाएगा। 300 to 500 ml जो अपन यूरिन है वो क्या है अपन कलेक्ट करके होल्ड करके रख सकते हैं। एक ह्यूमन जो है वो कितना ब्लड यूरिन को होल्ड करके रख सकता है, 300 ml से 500 ml तक उसको